जय श्री राम दोस्तों। सो गाइस, ये कवर लगाने के बाद ही बाइक में कितना सा। गाइस, मैंने गाड़ी को थोड़ा बहुत साफ कर लिया सिर्फ ऊपर से, और इंजन को इधर इधर 300 सेकेंड सर्विसिंग होके आ चुकी है। तो चीज किया मोबिल वोबिल कुछ भी चेंज। डेट 13 मई 2023 का डेट है, बहुत ज़्यादा कम है, 1000 किलोमीटर में चेंज होगा। जय श्री राम दोस्तों। सो गाइस, आज हम अपने हंटर के जाएंगे सर्विसिंग कराने के लिए, सेकेंड सर्विसिंग। पहले तो ये कवर खोलना होगा, उसके बाद गाड़ी को साफ करना पड़ेगा। एक महीना से गाड़ी जो है इसी तरह से है, सिर्फ बीच में एक बार गाड़ी को वार्म अप करने के लिए स्टार्ट किया था, बाकी सब ऐसे ही। सो गाइस, पहले ये कवर हटाते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं। सो गाइस, देखिए कवर लगाने के बाद ही बाइक में कितना सारा धूल मिट्टी सब ये सब आ गया है, जैसा कि आप देख रहे हैं, आपको पता चल रहा होगा शायद, देख रहे हैं बहुत ज़्यादा गंदा। कवर लगाओ वो और सबसे बसता है, लेकिन उतना भी ज़्यादा नहीं बसता। यहाँ पे बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी सब लगा हुआ है। सो गाइस, पहले गाड़ी को अभी साफ करते फिर आपसे मिलते हैं। सो गाइस, मैंने गाड़ी को थोड़ा बहुत साफ कर लिया सिर्फ ऊपर से, और इंजन को इधर इधर धूला मिट्टी है ही, और अभी हम गाड़ी का वार्म अप करेंगे, उसके बाद जाएंगे सर्विस सेंटर। सो पहले इसमें लगाते की गाड़ी करते हैं स्टार्ट। जैसा कि देख रहे हैं फ्यूल भी नहीं है ज़्यादा। सो गाइस, मेरा गाड़ी अभी तक चल चुका है 4565 किलोमीटर। सो गाइस, गाड़ी का या फिर आपका 6 मंथ हो जाए तो सर्विसिंग करा सकते हैं, या फिर आपका 5000 किलोमीटर गाड़ी चल जाए तो सर्विसिंग कर सकते हैं। तो मेरा 5000 तो नहीं चला है, बट 6 मंथ ये चल रहा है, तो इस मंथ इसका सर्विसिंग करना है। सर्विस सेंटर से कॉल भी आ चुका मुझे दो तीन बार, और सर्विसिंग वैसे भी कराना ही है। अब कब तक रखें, मेरा तो बाइक 1 महीना रखा हुआ था ना, इसलिए ज़्यादा चला नहीं। या मैसेज चलाता कंटिन्यू राइड करता तभी 6000 भी हो जाता, कब का सेकेंड सर्विसिंग भी हो जाता। तो गाइस, ये वीडियो को अभी यहाँ पे करते हैं ख़त्म, और आपसे मिलते हैं डायरेक्ट शोरूम में। सो गाइस, हमारी हंटर सेकेंड सर्विसिंग होके आ चुकी है, और मैं आपको बताने वाला हूँ कि सेकेंड सर्विसिंग में कितना कॉस्ट पड़ा मुझे, क्या क्या गाड़ी में काम हुआ, क्या क्या नहीं हुआ, वो सारा कुछ कुछ मैं आपको जानकारी दूंगा। सो गाइस, पहला बात मैं आपको बता दूं कि सर्विस सेंटर में मैं गया, सर्विस कराया बाइक का, तो वहाँ पे मैंने वीडियो नहीं बनाया, क्योंकि वहाँ मैंने बात किया कि क्या क्या गाड़ी पे काम होगा, क्या क्या करेंगे, तो उसने कहा कि सिर्फ एयर फिल्टर क्लीन होगा, और आपका गाड़ी का चेन क्लीन करना पड़ेगा, और चेन लूप करना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है करिए, तो उसके बाद बस यही दो चीज़ किया, मोबिल वोबिल कुछ भी चेंज नहीं हुआ गाइस सेकंड सर्विसिंग में, और बस यही किया। और मैं आपको दिखा दूँ, मुझे ये दिया है आपको चेन लुब्रिकेंट एंड चेन क्लीनसर। मैं दिखा देता हूँ, ये इनवॉइस दिखा देता हूँ, मैं सर्विस किया हुआ गाइस। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे, देखिए ये डेट 13 मई 2023 का डेट है, इधर इनवॉइस देखिए, मुझे सिर्फ पड़ा ये 400 रुपया का, ये है इनवॉइस सिर्फ गाइस, सेकेंड सर्विसिंग बाइक का सिर्फ 400 रुपया कॉस्ट किया, बहुत ज़्यादा कम है। मैंने तो सोचा कितना लगेगा नहीं लगेगा, लेकिन वहाँ पे जाके बोला कि सिर्फ 400 रुपया ही होगा। मैंने 2-3 बार पूछा तो बोला 400 रुपया, और मैंने बोला फिर मोबिल के बारे में बात किया, मोबिल कब चेंज करना नहीं करना, तो उसने कहा कि मोबिल आपका 10000 किलोमीटर में चेंज होगा, या फिर 1 साल होने से पहले, उसने ऐसा बोला। तो बस यही वीडियो यहीं पे करते ख़त्म, मिलते आपसे नेक्स्ट वीडियो पर। टाटा बाय बाय, टेक केयर।